दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली का सालाना उर्स 26 मई से पूरी शानो शौकत के साथ मनाया जा रहा है। चादर पोशी के साथ यहां कव्वाली का भी आयोजन भव्यता से किया जा रहा है। बीते दो वर्षों में जहां लोग काल के गाल में समा गए, असामयिक मौत का सामना करते लोग देखे गए, वहीं कोविड ने सभी पर्वों आयोजनों पर भी ग्रहण सा लगा दिया था। वहीं अब स्थिति सामान्य व स्थिर होने के बाद मंदिरों और मस्जिदों में रौनक लौट आई है। गौरतलब है कि बीते दो वर्ष के अंतराल के बाद दुर्ग स्थित सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह पर उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 मई से उर्स का आगाज किया गया है। शाही संदल जहां निकाला गया, वहीं कव्वाली का भी आयोजन किया गया। उर्स पाक के मुबारक मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा सहित बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग शामिल रहे। शामिल लोगों ने कव्वाली का लुत्फ उठाया और अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। और आज उर्स मुबारक से कव्वाली के जंगी मुकाबले में किसी भी बुजुर्ग हस्ती को किसी भी खूबसूरत मनमोहक आतिशबाजी वहाँ के भाईचारे मुंशी रजा साहब वहाँ के साहबजादे बनाए अहमद रजा सिराज रजा मोहम्मद रजा हाजी मोहम्मद रजा करते आए थे। ईश्वर ने भेजा मगर वो इस दुनिया फानी से कुछ कर गए, नहीं जानते हूँ इस दुनिया में नहीं, लेकिन ईश्वर ने बल्कि उनके यहाँ लाखों अयाज रजा साहब यहाँ मौजूद है। मैं उससे गुजारिश करूंगा यहाँ तशरीफ लाने की मेहरबानी करें। दुर्ग जिले में अयाज रजा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें कि ये जो आतिशबाजी सरकार की बारगाह में लगातार 70 वर्षों से पेश करके आ रहे हैं, नाम से जानते हैं पुष्ट दर पुष्ट आतिशबाजी यहाँ उनके द्वारा पेश की जाती है। जुड़े 25 साल हो गया और पहले साल से में इनके द्वारा आइटम पेश किए जाते थे, मगर आयाज करीम साहब बता रहे हैं जितने भी साथी है सब कि अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, नया सिस्टम आ गया है। तमाम लोगों की मन्नतों इस पावन अवसर पर झूली उपस्थित होकर हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ये बाबा साहब का 70वां उर्स है। पिछले दो वर्षों से कोरोना काल के चलते नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष जो उर्स यहाँ पर हो रहा है 70वां, हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो भी यहाँ आए हैं बाबा के दरबार में, जब वे अपनी चादर चढ़ाते हैं मन्नत मांगते हैं, तो उनकी सारी जो दुआएं जो मन्नत उन्होंने जो मांगी है वो सारी पूरी होती है। सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात, इस दरगाह बाबा की दरगाह से पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म संभाव की भावना फैलती है, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है सभ्यता है वह आपसी सद्भाव और भाईचारे की है। उस भावना को प्रदेश के कोने कोने से न केवल मुस्लिम समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं और जो कव्वाली का मुकाबला चलता है 3 दिनों तक उसका पूरा आनंद देते हैं। और कव्वाली के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रकाश देश लहरा जी को, जो विगत 25 वर्षों से इस दायित्व को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। और जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सब लोग उनके साथ पूरी एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर जो भाईचारा दिखता है, जो सद्भावना दिखती है, वही बात पूरे प्रदेश में जाती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबके खुशहाली की कामना करता हूँ। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली वाले के 70वां वर्षगांठ है उर्स पाक का। मैं आयोजक गणों को खास करके हमारे जो इस कमेटी के 25 साल के अध्यक्ष हैं भाई प्रकाश देश लहरा जी और उनके सारे सदस्य जिनका तन मन धन से सहयोग रहता है, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व मानवता का संदेश लिए हुए आपसी प्रेम और भाईचारा का ये संदेश देने वाले ये उर्स पाक का कार्यक्रम विगत 70 वर्षों से हमारे दुर्ग शहर में, हमारे दुर्ग शहर के इस पाक धरती में किया जा रहा है, जिसका परिणाम हम अब देखते हैं कि हमारा दुर्ग शहर सही प्रकार से सांप्रदायिकता से विमुक्त है और यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सांप्रदायिक एकता, भाईचारा,
सब बना हुआ है, सौहार्द की वातावरण बना है। इस सब का जो श्रेय जाता है हमारे जो बाबा है, जो नेक नीति से इनके पास दुआ मांगते हैं, उनको उनकी इच्छा की पूरा करते हैं, उनका मुराद को पूरा करते हैं। ऐसे बाबा के दरगाह में उपस्थित होना मेरा सौभाग्य है और सारी दुर्ग के जनता को और दुर्ग से बाहर आए हुए सारी जनता को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और हमारे जो कब्बाल आए हैं गुजरात से, बहुत ही मतलब माने हुए कब्बाल हैं, आज सिराज चिश्ती जी और सिराज राहत चिश्ती जी, दोनों जो कब्बाल हैं उनका आज संदेश एक मानव के लिए आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश कब्बाली के माध्यम से दिया जाएगा, जो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं आज के इस अवसर पर आयोजक लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे हाथों से सामान्य शराफत कैसे छूटेगा, ये सारा जमाना चाहे जितना भी जोर लगा ले। 26 मई से शुरू हुए उर्स पार्क में शहर सहित प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। कमेटी की जानिब से सभी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।